अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ केटरिंग स्टाइल चिकन शाही कोरमा, जो बनता है शादियों में। इनफैक्ट ये बन रहा है एक छोटे से शादी के लिए, और ये है 10 केजी का कोरमा। सो गाइस, अगर आपको ज़ैनब कुक हाउस की वेडिंग प्रिपरेशन मेकिंग पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका वेडिंग शूट करूँ तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ओके, सो स्टार्ट द प्रोसेस। इस पे आपको बहुत इजी प्रोसेस है, बट थोड़ा सा एहतियात रखना है। तो पहले प्याज और टमाटो का आपको अच्छे से बॉईल करना है, थोड़ा सा हल्दी डाल के। ठीक है, जब टमाटो आपका एकदम सॉफ्ट हो जाए तो उसका पानी निकाल के आपको इसे पीस लेना है। इतना पीसना है कि इसमें कोई भी टमाटो का लम्स ना रहे। तो बेसिकली ये चेरी टमाटोज यूज किया हुआ है इसके अंदर। तो आप नॉर्मल जो बाजार में टमाटो अवेलेबल है, या फिर आपकी कंट्री में या स्टेट में जो भी टमाटोज अवेलेबल रहते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। तो इसको मशीन में पीसा हुआ है, तो अराउंड 2 बार इसे पीसा है, क्योंकि इसका एक फाइन पेस्ट चाहिए जो कि ये शादी में बन रहा है। यहाँ पे अराउंड 12 kg चिकन है, जिसे हल्दी डाल के अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट करने के बाद आपको इसे डीप फ्राई करना है, बट 60% कुक करना है, उससे ज्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि ये कोरमे में भी पकेगा। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, और ग्रेवी के बहुत सारे जो मेकिंग्स है वेडिंग स्टाइल, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। अभी रमजान आने वाला है, देन शब-ए-बारात है, तो आप इसको बना सकते हैं, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये मेकिंग कैसी लगती है। तो एक बड़ा सा पैन ले लीजिए, उसके अंदर तेल डालें और मिक्स खड़े गरम मसाले डालें। तो मार्केट में आप अगर बोलोगे मिक्स खड़े गरम मसाले, तो उसके पैकेट्स आते हैं, तो वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें पता नहीं है, ये वाला जो है वो लहसुन का पेस्ट है, सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं है। ठीक है, और हल्का सा इसके अंदर हल्दी गया है। अब इसको पीस लेना है आपको, ठीक है, सॉरी, इसे भून लेना है। भूनने के बाद आपको इसके अंदर क्रीम डालना है, थोड़ा सा टमाटो और ओनियन का ग्रेवी डाला था ताकि क्रीम जो है वो फटे ना। तो क्रीम डाल के इसको आपको अच्छा सा भून लेना है, जब तक कि ये ऑयल ना छोड़े। आपने देखा पूरा ऑयल इसके ऊपर है। उसके बाद आपको इसमें डालना है अदरक का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन आपको अलग अलग डालना है, साथ में ना डाले। और अगर आपको रियली वेडिंग फूड का टेस्ट आपको घर पे चाहिए, तो जैसा प्रोसेस बता रहे हैं आप वैसे ही प्रोसेस से बनाएं, इंशाल्लाह आपका डिश जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है ताकि ये जल्दी पके। ठीक है, तो ये पूरा मिक्सचर जो है अदरक लहसुन क्रीम ये सबका अच्छे से पक गया है। अब जो आपने टमाटो और ओनियन का पेस्ट बनाया था वो आपको डाल के इसे भूनते रहना है। इतना भूनना है कि इसमें एक दरदरा सा टेक्सचर ना आ जाए। अभी आपने देखा इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है, तो अभी इसमें जाएंगे सूखे मसाले, तो उसी के वजह से ये आपको लगेगा शादियों वाला चिकन कोरमा। ये गया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो कश्मीरी नहीं है तो नॉर्मल जो मिर्ची पाउडर होता है आप वो डाल दें, बट ये थोड़ा कलर देता है तो और अच्छा लगता है। ये गया है धनिया पाउडर। ट्राई टू यूज ऑलवेज होममेड मसालास। ठीक है, इसके बाद जाएगा इसके अंदर बाकी सारे मसाले। तो बहुत ही इजी है गाइस, कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको। ये गया गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर का रेसिपी अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैंने ज़ैनब कुक हाउस के पेज पे अपलोड किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये जो है ये खमन है, नारियल का बुरादा, सूखा नारियल का बुरादा है, फ्रेश यूज करें, स्टेल यूज ना करें। ये है देगी मिर्च पाउडर, तो आप स्किप कर सकते हैं, इधर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप नॉर्मल चिली पाउडर यूज कर सकते हैं। ये है तंदूरी मसाला, जो थोड़े क्वांटिटी में गया है। और अगर आपको 1 kg का मेकिंग चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको उसका रेसिपी दे दूंगी। ये है चिकन कोरमा का मसाला, जो है शान की ब्रांड का। ट्राई टू यूज शान का ब्रांड, बिकॉज इनफैक्ट मुंबई में वो सबसे अच्छा ब्रांड अभी चल रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही कड़वापन देता है। आपको मसाला देख के ही लगेगा कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, और आपका कोरमा या फिर कोई भी बिरयानी वो खराब कर सकता है। तो रेडीमेड मसाला यूज करते हैं तो पहले चेक कर ले कि उसका रिव्यू क्या है। उसके बाद आपको डालना है चिकन, और चिकन को डालने के बाद आपको इसे अच्छे से भून लेना है।
ठीक है, आप देखिए मसाला पहले क्रीम की वजह से बहुत ही पेल येलो लग रहा था, बट अभी डार्क ब्राउन है, तो यही है असली भुनाई का निशानी। तो बस हमारा चिकन शाही कोरमा रेडी हो चुका है, तो पानी आप अपने हिसाब से डालें। इसके बाद आपको इसमें एक घी का फ्लेवर देना है, तो ट्राई टू यूज़ प्योर देसी घी, डालडा नहीं डालना है आपको, क्योंकि डालडा का फ्लेवर बहुत अलग होगा। भटियारों की सीक्रेट जो चीज़ है वो ये है कि वो भुनाई बहुत अच्छे से करते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमेशा भूनते रहे। आप जितना भूनोगे उसको, उससे उसका फ्लेवर आता है, मसालों से फ्लेवर नहीं आता है, जितना भुनाई होती है उसी से फ्लेवर आता है। अब आपको लास्ट प्रिपरेशन एक तड़का रेडी करना है, जिसमें बटर और ऑयल डाल दिया गया है। इसमें आपको थोड़ा सा ज़ीरा डालना है और अदरक डालना है, लहसुन नहीं डालना है, सिर्फ अदरक डालना है, ठीक है। जब आपका अदरक अच्छे से भून जाए उसके बाद आपको ये ग्रेवी के ऊपर डाल देना है। जब आपका तड़का हो जाए देन उसको गार्निश करना है आपको चीज़ से और क्रीम से, वो ऑप्शनल है। जो कि ये शादियों स्टाइल वाला है और भटियारे ने ही बनाया है, जिसे आप बावर्ची भी कहते हैं, तो उनका मेकिंग है ये। चिली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ज़ैनब कुक हाउस की वेडिंग प्रिपरेशन मेकिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं आपको एक ज़बरदस्ती मेकिंग बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी हर वक्त कोशिश रहती है कि आपको सबसे बेहतरीन चीज़ें दिखाओ, क्योंकि मुंबई में वी आर द पायनियर जिसने स्टार्ट किया है वेडिंग फूड प्रिपरेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।